subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. आजकल दाढ़ी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान खुजाते खुजाते तंग हो जाता है। पाया, पाया, ओ पाया! क्या है? क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे बस क्या है? तुम्हारा तुम्हारे पास होगा ना, तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी? सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, दाढ़ी निकालने वाले सामान की बात कर रहा हूँ यार। तो ऐसा कहो ना, धाग वाला और धार वाला वो रखा है तुम्हारी आंखों के सामने, और खबरदार जो मुझे दोबारा आवाज दी तो। देखा, ऐसी होती हैं आजकल की बीवियां। लेकिन आज तो मैं पूरा खेत ही साफ कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, कौन है? मैं हूँ। अबे कौन, मैं दिखाई तो दे नहीं रहा। मैं दिखाई नहीं देता, मैं सूत्रधार हूँ जनता का। आपसे एक सवाल पूछना है। जरा शेव करके चिकना बन जाऊं फिर सवाल पूछ लेना। दिखावे की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल पूछना है मुझे। पूछो। टैक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे भाई, आपने जवाब नहीं दिया। सॉरी 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 यार, सेक्स एक समाज है। सेक्स नहीं होता तो तुम नहीं होते, मैं नहीं होता। सेक्स एक स्प्रिंग है जिससे जितना दबाओ उतना उछाल मारता है। देखो, इंसान ब्रह्मचारी होने की कस्में खाता है, फिर एक मेनका आती है, उसे ब्रह्मचारी से बाल ब्रह्मचारी बना देती है। ये तो वो मिठाई है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अरे कहाँ चले? बाथरूम, और कहाँ? लेकिन पत्नी तो किचन में है। अरे तो क्या हुआ, अपना हाथ जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय। हजार बार कहा है मैंने कि अपना सामान खुद संभाल कर रखा करो, लेकिन नहीं, अंडरवियर से लेकर ऑफिस के बैग तक का सामान मुझे ही संभालना पड़ता है। विमला को बोला था एक नौकरानी भेज दे, पता नहीं वो भी कहाँ मर गई। माया देवी, बोलो देवता, मेहमान हॉल में बैठते हैं, किचन में नहीं आते। ये आवाज किसकी? मेरी आवाज सुनो। पहुंचो। डरिए नहीं, मैं सूत्रधार हूँ। अरे तो जाकर अपनी आवाज जितेंद्र को सुनाओ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और वो भी मेरे किचन में? माया देवी, मैं किचन में नहीं, मैं तो बाथरूम में भी जा सकता हूँ। जनता की आवाज को लेकर आप बुरा मत मानिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो खोलो। क्या? अपना मुँह और बको, हवा बहुत गर्म है। सेक्स के बारे में आप जनता से क्या कहना चाहती है? सेक्स समाज को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ सेक्स का है। आज जिन बच्चों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए वो बगैर शादी के बाप बन जाते हैं। कारण पूछो तो कहते हैं सेक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। खबरदार जो दोबारा ऐसे घटिया सवाल लेकर मेरे पास आए तो। अबे कैमरा बचाकर भागो, बड़ी खतरनाक औरत है। अरे रुको, भागो। बड़ा आया था सेक्स पर भाषण सुनने। माया, माया कहाँ तुम? मैं नहा रही हूँ, जरा किचन में जाकर गैस बंद कर दो। अरे लग जा बेटे काम पे। अरे मर गया मर गया मर गया मर गया। हे भगवान, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये बिल्ली की नजर हमेशा छिछड़ों पर ही रहेगी। अरे क्या करती हो तुम, अगर मेरी आँख फूट जाती तो? अच्छा होता, कम से कम लड़कियों की तरफ ताकना तो भूल जाते। अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मुझे विरासत में मिला है। क्या? इधर आओ, मैं समझाता हूँ। मेरे दादाजी फौज में थे, इसलिए वो तंबू के होल में से दुश्मन को झांकते, और मेरे पिताजी, उन्हें रेस खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो दूरबीन में से दुनिया झांकते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम्हें लड़कियाँ देखने का शौक है, इसलिए हमेशा होल में से झांकते रहते हो। कितनी समझदार हो तुम। शट अप, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, नाश्ता लगाती हूँ, जल्दी आ जाओ। कहाँ,
बेडरूम में। हे भगवान, ओह पूरा तो चल गया। दो 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 दो, मैं जा रहा हूँ बाथरूम में नहाने के लिए। बाहर निकलो, सब दिखाती हूँ। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। दास्ती खुला खुली किया ना तो हम तेरे को फाड़ के रख देगा। छोकरी देखता नहीं सारा खुल जाता है। ये तेरी तरह नामर्द नहीं हूँ और फाड़ने की कोशिश तो ढाके पटक दूंगा। अरे नामर्द, सामने देख, सामने देख। ए, 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 सलता फिरता दूध का दुकान खुला देखा नहीं के घुस गया। कहाँ? गेट के अंदर। और किधर घुसाती हो तुम? मुझे इस बंगले में जाना है। बंगला कोई छोकरी लोग का धोखा खा रहा है जो घुस जाता है। मैं इस बंगले की नई नौकरानी हूँ। और मैं इस बंगले का पुराना सौगीदार हूँ। देखिए, दिखाइए। आप मुझे नहीं जानते, मुझे विमला जी ने भेजा है। विमला जी ने भेजा है? इस थैली में क्या है? मूली, गाजर, ककड़ी। नहीं, वो नहीं है। फिर किधर है? दिखाऊं या मालकिन को बुलाऊं? सनिका, सनिका, जाते जाते एक गाजर दी के जाने का। क्यों, गाजर तुम्हारे पास नहीं है? नहीं नहीं नहीं, गाजर नहीं है, हमारे पास केला है। लेके जाओ, कब काम है। ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो बड़े बड़े चीतली वाले केले अच्छे लगते हैं। ए पशुपतिनाथ, आज पहली बार मेरा केला खैर उसको पसंद नहीं होगा। इतना छोटा केला है गले में अटक गया है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खोलो ना। हे भगवान, मैं दरवाजे की बात कर रही हूँ, जाकर दरवाजा खोलो। अरे तो ऐसे बोलो ना, खोलता हूँ दरवाजा। हे भगवान, ये आठवां अजूबा मेरी ही किस्मत में लिखा था। हटो, अरे हटो। कौन है? जी जी, मैं पारो हूँ, मुझे विमला जी ने भेजा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ किचन में। तुम कहाँ जा रहे हो उसके पीछे? किचन में बर्तन साफ करने? अरे मैं किचन नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ यार। क्यों? अच्छा तो वो साफ करेगी और तुम पानी डालोगे। अरे तभी तो नल साफ होगा। तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर आओ। क्या करोगी बोलो। बैठो। सुनो, ऑफिस जाते वक्त पीजी के एड पेपर में देते जाना। अब तुम पीजी रखोगी? हाँ, ऊपर के दोनों कमरे दे देंगे। घर में थोड़ी चहल पहल रहेगी ना तो तुम्हारा दिमाग भी बटा रहेगा, वरना तुम्हें संभालते संभालते मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। अब ऑलराइट, अब तुम्हें मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लिए संभालने वाली ढूंढ लूंगा। क्या कहा? मुझे ऑफिस जाने दो, डोंट वेस्ट माई टाइम, लेट हो रहा हूँ मैं। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो इस जन्म में मुझे ऐसा पति मिला। पारो। जी मैम साहब। वो बाथरूम के जितने नल और पाइप है ना, सब साफ कर दो। अच्छा मैम साहब। चंदानी साहब, चाहे सब धंधों में क्यों ना मंदी आ जाए, लेकिन हमारा धंधा सालों साल फलता फूलता रहेगा। जब से सरकार ने एड्स के खिलाफ जंग छेड़ी है, हमारे कॉन्डम की सेल 10 गुना बढ़ गई है। पहले तो लोग थैलियां भर भर के मांगते थे, लेकिन अब कोनी भर भर के ले जा रहे। अरे वो सब तो ठीक है साईं। अरे लेकिन हम तुम्हारा माल तुमको वापस करने के लिए आया। अरे कितना घटिया माल देता है बाबा, ये देखो अभी दिखाता तुमको, देखो चेक करो उस माल को। एलो एलो। क्यों पर? अरे क्या बात करता बाबा, इतना सड़ेला माल जिंदगी में कभी नहीं लिया। कस्टमर लेके जाता, बोलता 100 में से, अरे बाबा 40 के अंदर होल निकला, 40 के अंदर होल। अरे क्या बात करता, कस्टमर आके बोलता कैसा निरोड़ दिया, अरे ऐसा निरोड़ दिया मेरा बीबी बाबा पेट से हो गया। अरे क्या बात करता तुम, जो आता कस्टमर धमकी देके जाता, आइंदा घटिया माल दिया शटर गिरा देगा मेरा। ठीक है ठीक है, आप पटेला माल भिजवा दो, मैं बदली करके आपको दूसरा माल भिजवा दूंगा। अरे बड़ी नो प्रॉब्लम, अगली बार से मेरे को अच्छा माल देना बाबा, अच्छा माल। हाँ वो कस्टमर मेरे को धमकी दे के जाता, एक आके बोला बाबा क्या करता तुम, अरे पहले से 5 बच्चा छट्टा नहीं मांगता, ऐसा करेगा तो लफड़ा होएगा। सब समझ गया, आप जा सकते। अरे देखो बाबा, मेरा गिरेगा ना तो तुम्हारा भी गिरेगा। चंदानी साहब का सारा माल वापस आ गया है, मैं चाहता हूँ तुम और मैनेजर मिलकर माल चेक करो। सर वो
पहले फैक्स करूं या माल भिजवा दूं? पहले फैक्स करो, यू कैन गो। ओके सर। जहां देखो टेंशन ही टेंशन, घर पे माया, यहाँ निरोध। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दम दम, करके रहूंगी मैं तेरा दम दम दम। मुझको नहीं छोड़ेगी, बर्दाश्त नहीं होता। आ, क्या भटकती है इसकी चाल, लगता है आया भूचाल। ए पशुपतिनाथ, कमल बाबू का रक्षा करना। ला 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 ला। देखा है पहली बार सागर की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। कमल जी। बोलो जी। मैंने तुम्हारे लिए केले के भजिया बनाए हैं। केले के भजिए? हाँ, लंबे लंबे कड़क कड़क केले के भजिया। वाह पायल, तुमने मेरे पति के लिए केले के भजिए बनाए हैं। कितने केले के बनाए? तीन केले के। सिर्फ तीन केले के? मोड़ नहीं था इसलिए तीन ही केले के बनाए। लो चोखा। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो पायल? तुम तो पहले इतनी तकलीफ उठा चुकी हो, इन्हें बनाकर लाओ, इसे मैं खिला दूंगी। कमल जी। जी। ये केले के भजिया खा लेना जरूर। जरूर प्लीज, खा दूंगा। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। बाय। चलिए इस भजिए के साथ मैं आपको ककड़ी का अचार भी खिलाती हूँ। ककड़ी का अचार? हाँ, चलो चलो यार। कमाल है, यहाँ घर के वॉचमैन से लेकर घर के मालिक तक सबके सब छी छी। पौष्टिके को लूलाधारी का सलाम। पौष्टिके को काणाधारी का सलाम। सलाम सलाम। Bloody fools, किधर है सारा तुम लोग? Bloody fools, सबको ढूंढना पता है time। हुकुम करो बॉस। भाई ऐसा है, फॉरन से हमारा कुछ खास गेस्ट लोग आने वाला है, तुमको हमारे लिए खास काम अंजाम देना है। बोलो बॉस जी, क्या करना है हमको? देखो, हमको उनकी खुशी के लिए एक लड़की चाहिए। खूबसूरत, जवान, ब्यूटीफुल। नाचे तुम? यस, पीजी की एड पढ़कर आई हो? जी मैडम। नाम क्या है तुम्हारा? जी मोना। काम क्या करती हो? जी मैं एक क्लब डांसर हूँ, रात को स्टेज शो करती हूँ। रात को स्टेज शो करती है? ऐसी लड़की को रखने में कोई खतरा नहीं है जी, आपको सोच रही है मैडम। नहीं नहीं, तुम पीजी क्यों रहना चाहती हो? नहीं मतलब, मैंने सुना है कि स्टेज शो करने वालों के पास तो मकानों की कमी नहीं रहती। आपने ठीक सुना मैडम, लेकिन एक अनाथ बिन माँ बाप की लड़की की कला का मुकाम जवानी ज्यादा देखते हैं। इज्जतदार भी है मैडम। आप फिर कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं, पर एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मैडम। सबसे पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें यहाँ कोई मिलने नहीं आएगा। जी। और अपने आप को बचा के रखना होगा। जी किससे? भूखी नजरों से। भूखी नजरों से? तुम नहीं समझोगी। अच्छा सुनो, 10,000 रुपए डिपॉजिट और 2,000 रुपए भाड़ा। जी मुझे मंजूर है। Thank you.
खबरदार खबरदार जो तुम फिर कभी उस रूम की तरफ गए तो। हाँ क्यों, ऐसा क्या है उस रूम के अंदर? कुछ रखा नहीं है। है मोना हमारी पेइंग गेस्ट। ओ पीजी पीजी आ गए क्या मुआया? हाँ लेकिन सुनो, आज के बाद किसी भी की होल में झांके ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अरे ये तो हमारे खानदानी आदत है। आपके खानदान की तो मैं मुंडी बरोड़ दूंगी। चमेली भाई का कोने का कसम खाता है, तुमको वही छोड़ के आएगा। क्यों तेरे से कुछ नहीं होता है क्या? बाकी मुझसे करवाएगा? चुप कर नहीं तो फड़ेगा। हाय कमल, गुड इवनिंग। राज तू और यहाँ इस वक्त? हाँ चाय पी रहा है? नहीं नहीं दांत सेक रहा हूँ। अरे चाय की प्याली हाथ में लेकर चाय पी रहा हूँ यार। तू यार तू कभी नहीं सुधरेगा यार। और माया राज के लिए कब चाय लाना मलाई मार के। घर में मलाई बहुत ज्यादा हो गई है क्या? घी भी है? नहीं मुझे घी नहीं चाहिए। नहीं भैया मुझे सिर्फ चाय पिला दे, मुझे तेरा घी नहीं चाहिए। क्या बात है, तेरे घर में खुशबू बहुत है। अरे प्यार करने वालों के यहाँ प्यार की खुशबू आती है, मच्छर मारने की दवा की नहीं। ये तू बार बार उधर क्या देख रहा है? हेलो हाय 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 क्या बात है। सिट डाउन, माय नेम इज मोना। हाय माय नेम इज कमल। आई एम राज। अच्छा मोना तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम जाओ। हाँ थैंक यू माया जी, बाय बाय। चाय पियो। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी ये लड़की को आप जानती हैं? हाँ जानती हूँ, बेचारी अनाथ है, स्टेज पर नाच गाकर एक इज्जत की जिंदगी जी रही है। भाभी शायद आप जानती नहीं है ऐसी लड़कियों को, ये नाचती नहीं नचाती हैं। मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगती है। भाभी जी वैसे ये लड़की नाचती कहाँ? क्यों तुझे वहां जाना है क्या? नहीं यार मैं तो सिर्फ यूं पूछ रहा था। अच्छा भाभी जी मैं चलता हूँ, बाय कमल। बाय बाय। नाचती कहाँ है बात कहाँ? अब तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। जहां भी नाचती होगी कयामत बरसाती होगी। Bye.
क्या बात है। करण के पोते सामने देख। अंदर की अब इतना बड़ा खोल कर रखेगा तो कोई भी घुस जाएगा ना। दरवाजा अरे वॉचमैन साहब हमें घर के मालिक से मिलना है। साहब घर में नहीं है, शाम को आएगा। अरे वॉचमैन साहब हमें माया मैम साहब से मिलना है। माया मैम ऐसे बोलने के ना हम सुन लो तुम सारू वाला है फूका मेरे से मेरा है। चल 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 क्या बोल रही है। वाह वाह कितना बड़ा है मालिक कितना बड़ा होगा क्या। अरे कमरा यार उधर माया देवी आ रही है। क्या है क्या है। माया निवास यही है। क्यों आते वक्त गेट पर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या। ये पेपर में पीजी गाइड आपने दिया था। नहीं मेरे बाप ने। कहाँ मिलेंगे। ऊपर चल मंगल रुको। पता यहाँ का है बंगला ये है तो एड भी हमने ही दिया होगा ना। अच्छा बोलो दिन में रहोगे या रात में। क्या मतलब। मतलब ये कि आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको दिन का चार्ज देना होगा और अगर आप दिन में ड्यूटी करते हैं तो नाइट का डबल चार्ज देना होगा। बाबरे कमाल है। अरे यार कमरे में कुछ सुविधा भी दूंगी। हाँ। कुछ फ्री का है। फ्री का हाँ। 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 फ्री तकिया कंबल और रात को सोते समय सर पे लगा तो दिन भर शांति ही शांति। मुझे मेरी माँ ने बताया था। लेकिन सबके पिताजी लगाते होंगे ना सर पे। बकवास बंद करो और सुनो 5,000 रुपए डिपॉजिट और हफ्ते में एक बार अपने हाथों से खुद धोना पड़ेगा। लेकिन हम तो रोज धोते हैं। मैं बाथरूम की बात कर रही हूँ। मंजूर है तो हाँ बोलो वरना दरवाजा खुला है। बेडरूम में जाने के लिए बाहर जाने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ये लीजिए। सुनो सिगरेट बीड़ी घर में नहीं चलेगी। पीना तो दूर हमने तो कभी इसको देखा भी नहीं। और एक बात गलती से भी किसी लड़की को घर पे मत ले आना। और उनको भी नहीं। नहीं ठीक है हम अपना सामान कल ले आएंगे। उफ ना जाने कौन है। कौन है आप किससे मिलना है। आपसे। मुझसे। हाँ। ओ अच्छा अच्छा जी हम भी यहाँ पर पीजी है रहने आए हैं। ओ पीजी हो। अब हम सामान लिए हाथ में खड़े हैं। पूरा तो खोलो। क्या दरवाजा। ओ ऐसा बोलो ना। आइए आइए। इसका नाम सोम है। हेलो हीरो बनने आया है। हीरो बनने आया है। हेलो मेरा नाम मोना है। इसका नाम मंगल है। ये फोटोग्राफर है ले लेगा। ले लेगा। हाँ। क्या आपकी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ वो तो मैं जरूर खिंचवाऊंगी लेकिन मैं थकी हूँ ना बाद में। हाँ जरूर जरूर। अच्छा तुम्हारा रूम उस तरफ है। कोई आए तो दरवाजा खोल देना मैं जा रही हूँ थकी हूँ ना। ओके बाय। क्या मेरे गालों की इज्जत। इससे पहले कुछ लुटे मुझे मेरे कमरे तक ले चल। अबे मुझे मेरे कमरे तक ले चल। शांत हो जा और जाके सो जा। चल जा। ओ कमल आई लव यू। कमल आई लव यू। I love you, Kamal. Love you. तो ये सपना था लेकिन कमल मैं भी इसे हकीकत में बदल लूंगी। I love you, Kamal. I love you. अब तू देखता जा मैं जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। अरे बैठ जा अमिताभ बच्चन का हूँ हाँ करके अमिताभ बच्चन बनेगा तू। अमिताभ बच्चन बनूंगा मैं। देखिए कभी अपनी शक्ल अमिताभ बच्चन बनेगा। अरे बनूंगा। ये तो कोई लड़की जैसी लग रही है। लड़की जैसी नहीं लड़की ही हूँ। इस घर की इकलौती नौकरानी पारो। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो।
दिल के टुकड़े हो गए हजारों। अबे घन चक्कर कभी तो शांत रहा कर, बैठ जा। अच्छा वह तुम आ गई, अब जल्दी जल्दी हमारा पूरा साफ कर दो। क्या? अरे कमरा नहीं, कमरा पूरा गंदा हो गया है। कमरा साफ करने के पैसे लगते हैं बाबूजी। सोम ये तो ऐसे मांग रहे जैसे होटल में खाना खाने के बाद वेटर पैसे मांगता है। कितने लोगी? कितना तुम दोगे? सब लोगी। मेरा गल्ला तो 2400 घंटे खुला रहता है, तुम सिक्का उछालो और डाल दो। सोम मुझे तो तेरी माँ लगती है यार। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे गल्ले में कितने रुपए डालने होंगे? कमरा साफ करने के 100 रुपए और खिस खिस कर रगड़ रगड़ कर साफ करने के 250 रुपए और उस साफ किए हुए जगह को चूमने के प्यार करने के पूरे 500 रुपए। अरे भाई हमें प्यार वार पप्पी वप्पी चुमना उमना नहीं चाहिए, हम सफाई का 350 रुपए देंगे तेरे को, ठीक है ना? ठीक है ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, साहब मेम साहब आते ही होंगे। मैं तुम्हारा काम दूसरी पाली में कर दूंगी। पाली? हाँ रात पाली। तुम इससे बच के रहना पड़ेगा, चलो ऊपर चल। अबे चल, अबे चल रहे अमिताभ बच्चन की औलाद, अबे कुंभकर्ण की औलाद टिंगे, अबे वो ठिगने उठ जा, अबे उठ, अबे सामने देख, उठ। जब देखो सोता ही रहता है। सलाम सर जी। हाँ सलाम सलाम सलाम। मेम साहब आई क्या? वो तो आपके साथ गया था ना सर जी। हाँ वो किसी काम से रह गई, बाद में आएगी। ऊपर कौन कौन है? सब सब जी। मुना है क्या? है ना सर जी, सर जी कल मुना को देखा, उसको देख के एकदम राम तेरी गंगा मैली याद आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, जैसे तुम्हारी मेम साहब आए मुझे सिग्नल दे देना। अबे वो आदम के औलाद टारजन के पोते, ये क्या कर रहे हैं? इस बंगले को जंगल समझ के एक्सरसाइज कर रही है। अबे मेरे बंगले को जंगल बोलता है? बंगला और तेरा शक्ल देखिए क्या? पारो ओ पारो। सर हमें यहाँ पीजी है, पीजी। पीजी? पीजी ऐसे होते? चलो 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 अपने कमरे में जाओ, दोबारा यहाँ दिखे तो पूरा टारजन बना दूंगा। कैसी बात करते हो यार, चल 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 आजा। पीजी मैं चला मोना के कमरे की तरफ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो कैसे? सुई में धागा डाल के। ओ ये लीजिए सुई और ये रहा धागा। ऐसे एक धागे में सूप क्या लगाया, इसने तो लड़की ही पटा डाली। आपकी सुई का होल तो बड़ा छोटा है। नहीं है ना? तो क्या हुआ, तो क्या धागा तो पुराना है ना। अब ये कड़क हो गया, अब ये सीधा होल में चला जाएगा। चुप 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 देखता रहे यार। ये आपके काल पे क्या है? काल पे? अरे पिंगे उठ, आन सुन, अरे गई नौकरी तेरी, खोल जल्दी। डॉक्टरो डॉक्टरो छोटे छोटे डॉक्टरो, डॉक्टरो डॉक्टरो डॉक्टरो, पागल कहीं का। डॉक्टरो डॉक्टरो छोटे छोटे डॉक्टरो 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 डॉक्टरो, पागल हो गए हो क्या? तब से हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें, और रात का काम दिन में करते हो। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लगते रहो लगते रहो, तेरे को सोने के लिए मैं। चल तू जलाल तू आई बाला को टाल तू, जल तू जलाल तू। मैं कब से बेल बजा रही हूँ और तू अब दरवाजा खोल रही है? मैम साहब अच्छा ठीक है, तूने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाना। और हाँ तुम्हारे साथ कहाँ है? वो तो अपने रूम में खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ कर। क्या बकवास कर रही है? आप खुद ही जाकर देख लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ।
जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को जल तू पूजा कर रहे हो या भूतों को बुला रहे हो तुम तो शाम को आने वाली थी ना क्यों मैं जल्दी आई तो आपको तकलीफ हुई क्या अच्छा तो मेरे आने से आपकी पूजा में भंग आ गया वो भी भूतों की अरे नहीं एक भूतनी को पटाने में कामयाब हो ही गया था बस लगा नहीं जा रहा था तुम आ गई क्या भगवान ये आदमी जरूर पिछले जन्म में दो नंबर का काम करता होगा वाह राजा और खोल दे अपनी चतरी निकल बर निकल बर वरना मैं अंदर आ जाऊंगा अबे बाहर निकल बाहर को निकल अरे बेटा लव कर रहा था वो भी चतरी के अंदर लव नहीं लवर सिंह के सामने लव नहीं दे रहा था वो भी मुंह में क्या चॉकलेट बहुत अच्छी है तुम भी खाओगे हट हट सब दे रहे हैं मुंह में है छील छील कर क्या बे मुंबलिया अच्छा खासा आराम करने आया था हे भगवान कहाँ बस गया मैं आराम करने वो भी गार्डन में या तो घूम घूम कर लेते हैं क्या ताजी हवा तुम भी मुंह खोलो और ले लो ताजी हवा गाड़ी मिलती है ए, पागल हो जाऊंगा तो जाओ ना आगरा बात क्या है पागल का ना बचा हेलो जी हाँ यहीं रहती है आप कौन अच्छा अच्छा एक मिनट हाँ मोना मोना मैं आई तुम्हारे लिए फोन है हेलो हाँ कौन अच्छा अच्छा हाउ आर यू या आई एम फाइन नो नो आज नहीं प्लीज आज तो क्लब बंद है ना नो प्लीज आज नहीं ओके बाय बाय थैंक यू किसका फोन था मोना मेरे बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड का हाँ. तो जल्दी से शादी कर लो ताकि घूरने वालों की नजरें बंद हो जाए हाँ तोड़ो तोड़ो तुमने खरीदे है ना मेरी माँ ने तो न टूटने वाली चीजें दी है मोना चाय पियोगी हाँ लो हेलो एवरीबॉडी लो तंबूरे को याद किया और तानपुरा आ गया कैसी हो माया बहन हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ अच्छा इनसे मिलो ये है मोना बहुत सुंदर है ना हाय हाय आज क्या लाई हो मेरे लिए आज मैंने तुम्हारे लिए रस भरी जलेबी लाई हूँ रस भर कर जलेबी हाँ इसमें इलायची जायफल दूध में डालकर खाने से स्फूर्ति आ जाती है किस में पायल जी बॉडी में दूध में ले आती पायल क्यों सब कुछ इसी से लोगे क्या दूध हमारे पास नहीं है क्या लो कमल जी मुँह खोली है ना पायल ये क्या कर रही हो रस टपक जाएगा तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे ना मैं खिलाती हूँ मोना आज तुम्हें टेस्ट शो पे नहीं जाना है नो आज मेरा हॉलीडे है ना इसीलिए अच्छा तुम्हारा हॉलीडे कब आता है पायल जी क्यों पिकनिक पर जाना है इसके साथ चलो जल्दी तैयार हो जाओ हमें बुआ के घर जाना है मेरे पेट में दर्द है मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी बुआ के यहाँ अच्छा आपके पेट को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उठो उठो चलो चलो उठो ना मिलो चलिए चलो चलिए बाहर चलिए बाहर चलिए बाय बाय ओके काश मेरे पति कमल होते तो मैं इनके पेट पर बम मलती लेकिन नहीं है अफसोस आज मैं जवान हो गया कपड़े फाड़ कर बड़ा पहलवान हो गया क्या हुआ क्या बात है सोम साहब आज फटे कपड़ों में भी बड़े खुश नजर आ रहे आज मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया थिएटर के मशहूर डायरेक्टर तद्दू ने मुझे हीरो का काम दे दिया हीरो का काम दे दिया अच्छा ये वही तद्दू जिन्होंने डबल मीनिंग के गंदे गंदे नाटक बनाए हैं क्या वो मोना इंसान इस दुनिया में नंगा आता है तो इसमें नंगा होने में क्या शर्म
अच्छा ठीक है, क्या नाम है नाटक का? मेरी छतरी के नीचे आजा। ओ छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, वो भी बिना बारिश के। यही नाटक का नाम है, लेकिन मंगल शूटिंग पे चला गया। मेरा साथ कौन देगा, मेरी रिहर्सल कौन करेगा? रिहर्सल? आप कहे तो बहादुर को बुला दो, उसके पास छतरी भी है। चुप मोना, प्लीज मेरे साथ रिहर्सल करो ना। वो तो मैं करा दूंगी, पर एक शर्त पर। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अच्छा मंजूर है ना, तो मंगल को कहकर मेरा प्यारा सा फोटो सेशन करवा दो, लेकिन फ्री में। चलो शुरू करें। क्या? नाटक। नाटक याद किया? ओफो, ऐसे नाटक में तो रोज देखती हूँ, मुझे भी कुछ समझाओ ना। ओके ओके, तुम एक कुंवारी लड़की हो। वो तो मैं हूँ ही। तुम्हें एक बच्चा चाहिए, वो भी तो गोद ले लेगी ना। वो काले कपड़ों में साया। काले कपड़ों में? हाँ। चलो 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 देखते हैं, चलो चलो। आपको कोई भी नहीं है। ओ। तुमने खामखा डरा दिया है। चलो चलो रिहर्सल करते, चलो चलो चलो। गाड़ी में से केक अंदर ले गया। जन्मदिन मुबारक हो मैम साहब, जन्मदिन मुबारक। छोड़ो, मेरा नहीं तुम्हारे साहब का जन्मदिन है। मेरा नहीं लाएगा। हाथ हाथ चार्ली, जन्मदिन मुबारक। छोड़ छोड़, बाकी 8 बजे लाना, मैं शाम को 8 बजे पैदा हुआ था। क्या देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा क्या? हेलो, मैं बोल रहा हूँ कमल। कमल? तुम्हारा अधूरा कमल। मैं तुम्हें याद कर रही थी। मुझे? और इस वक्त? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खजराओं के मूर्तियों के आसन बताना चाहती थी। तेरी चोट तो नहीं लगी? लगी है, पर दिल पर लगी है, इसीलिए तो आज बर्थडे केक पे दिल बनाया है। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, तुम आना जरूर रात को 8 बजे। हाँ जरूर आऊंगी, और तुम्हारे लिए खजराओं की तस्वीरें भी लाऊंगी। बाय स्वीटहार्ट। ये तो मुझे पकड़कर खजुराओं ले जाएगी। हेलो। अबे कहाँ अटक गया, अभी तक आया क्यों नहीं यार? अबे आ रहा हूँ ना यार, कपड़े बदल कर ही आऊंगा ना। अबे आदम ने भी कभी कपड़े पहने हैं क्या? चल ऐसे आजा। अच्छा अच्छा ठीक है, आदम बन के ही आता हूँ, बिल्कुल लंगा। कमल जी, ये मेरी तरफ से छोटा सा गुलाब का फूल। थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ गुलाब से काम नहीं चलेगा, आज तुम्हें हम सबको डांस सिखाना होगा, लेकिन एक शर्त पर, आप सबको मेरे साथ नाचना गाना पड़ेगा। मैं तेरी रानी तू मेरा राजा, मिलके बजाए दोनों बाजा। तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, मिलके बजाए दोनों बाजा। कोई न देखे कोई न जाने इसलिए। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा। छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी।
56 छुरी आ तुझे खिलाऊं मालपुआ और भेलपुरी गरम समोसा इडली डोसा मेरी 56 छुरी कोई न देखे कोई न जाने इसलिए मेरी छतरी के नीचे आजा 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 रख दिया है तो तुम रो मत तत्काल रिजर्वेशन करा देता हूं मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी मां को कुछ ना हो वो हमेशा बेड पर रहे मेरा मतलब है कि वो जल्दी ठीक हो जाए चलिए ना 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 ब्लडी नॉनसेंस यू पीपल डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इडियट कहां जा रहे हो लूला जा रहे किधर है तुम लोग इडियट हम इधर ही है बॉस ठीक है हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है अरे तुम लोग इतना बड़ा दफर है कि तुमको इधर होते हुए भी ढूंढना पता है तो मालूम है परसों हमारा गेस्ट आने वाला है मोना डार्लिंग से बात किया तुमने आपका काम हो जाएगा बोल ठीक है अच्छा तो हो जाना चाहिए वरना तुम लोग का काम खलास अब देखती हूँ कमल तुम्हें मुझसे कौन जुदा कर सकता है मैंने इसमें ऐसा वियाग्रा और नशा मिला दिया है तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे अरे पारो क्या हुआ नाश्ते का अभी नहीं साहब ओ मैं लगाती हूँ ना बटर ब्रेड में मेरे सामने मक्खन नहीं लगाना क्यों इसके सामने मक्खन लगाओगे तो इसे पुरानी बातें याद आ जाएंगी ओ पुरानी बातें याद आती हैं हाँ हनीमून वाली सुना सुना हमको भी सुनाओ यार अरे अब्बा डब्बा वाली अब्बा डब्बा हाँ तीन दोस्त थे तीनों एक साथ हनीमून पर गए और एक ही होटल में ठहरे उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी करेंगे हम सच सच बताएंगे एक दूसरे को फिर क्या हुआ फिर उन्होंने अब्बा डब्बा का खेल रख दिया अब्बा डब्बा तुम नहीं समझोगी ये शादी के बाद की बात है शादी के बाद की बात है आई नो अब्बा डब्बा मुझे मालूम है तू मालूम है
अरे पर तीनों ने एक दूसरे को बताया कैसे यार? अरे मक्खन लगा कर। मक्खन लगा कर? हाँ, सिंपल। देखो जो जितनी बार अपा डबा खेलेगा ब्रेड पे उतनी बार मक्खन लगाएगा। हाँ देखो सुबह तीनों दोस्त नाश्ते पर आते हैं और एक दोस्त मक्खन लगा कर अपा डबा और दूसरा दोस्त फिर उठाता ब्रेड अब्बा डब्बा। अबे पर तीसरे ने कैसे बताया? अबे सुन तीसरे की बात, तीसरा कहता है अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा। अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा अब्बा डब्बा। ए पारो पारो बाकी का अब्बा डब्बा उधर किचन में जाके देखो, उधर जाओ तो ये काम करो, ये लो 100 का नोट और जाओ जाके नई फिल्म देख कर आओ, आज तुम्हारी छुट्टी। वेरी गुड अब्बा डब्बा। कमल जी कैसी हो? पायल जी अच्छी हूँ। आज क्या लाई हो मेरे लिए खाने के लिए पायल? तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है खाने का। क्या खाओगे बोलो? खोल कर तो दिखाओ पायल जी। चल हट। ये तेरे लिए थोड़ी है, ये तो कमल जी के लिए है। इसे रात को ही खाना है जब मैं खाना लेकर आऊंगी। तो पकड़ा किसने है पायल जी? जाओ ना। तो ये लो ना। तो जाओ ना। जाओ। कमल जी इसे रात को ही खाना है जब मैं आऊंगी। अच्छा तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। बाय बाय। कमल जी जरा डब्बा तो खोलो, क्या है इसमें? अरे आज तो भर कर दिया है डब्बा। मैं बाहर की हर चीज में बांट कर खाता हूँ। चलो टूट पड़ो। अरे खोल जल्दी। पाप कमल पायल तो तेरे लिए बहुत मस्त रसगुल्ला लेके आई यार। कमल जी आपके पड़ोसन कितनी अच्छी है। बहुत प्यार करती थी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, शादी नहीं की बेचारी ने। मैं क्या मर गया हूँ कमल जी? डाल देता हूँ आपका नाम लेकर मंगलसूत्र। कमल जी सोम के गाल वो दे। कमल जी मैं जाती हूँ, मुझे जाना है ना। बुरा बंगला ही रहा है। अरे बंगला नहीं, मुझे लगता भूकंप आ गया। बंगला हिल रहा है, मोना हिल रहा है। रूम में छोड़ के आया और अभी वापस आया। कमाल है, दरवाजा खुला है और अंधेरा ही अंधेरा है। वहीं रुक जा पायल, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। क्या हुआ कमल जी? खबरदार जो तूने अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लिया तो तूने तो मुझे जीते जी मार डाला। बता मुझे तूने क्या मिलाया था रसगुल्लों में? तू इतना गिर सकती है मैं सोच भी नहीं सकता था। कमल जी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तू क्या प्यार करेगी? तो प्यार का मतलब जानती है? चली जाए यहाँ से वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। ठीक है चली जाऊंगी मैं, लेकिन एक दिन तुम्हें प्यार का मतलब जरूर समझाऊंगी। Shut up and get out! Just get out! ये मुझसे क्या हो गया?
पता नहीं मोना मुझे माफ करेगी या नहीं। ओके बाय। हाय मोना। हेलो सर। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मैं डांस नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम बेबी, तुम हमारे होटल की शान हो। ओह थैंक यू सर। अरे हाँ, वहाँ कुछ लोग बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? उधर टेबल नंबर 10 पर। ओह थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मोना है। हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। ओह थैंक यू। गुड इवनिंग मोना। गुड इवनिंग। बैठो। तुम्हारे इतनी जल्दी, आज तुम्हारा डांस नहीं था? डांस तो था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतना गिर सकते हो। मोना तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मुझे आप लोगों से कुछ नहीं कहना है। ये लो डॉक्टर की रिपोर्ट और पढ़ लो अपने कुकर्मों की कहानी। मैन बहुत ठीक है। तुम वेरी हॉपलेस एंड वेरी घटिया आदमी है। यस सेमी, तुम बिल्कुल सच बोलता। हमारा सोना का बिस्कुट अभी तक हमको नहीं मिला। करेक्ट। हमको नहीं मिला था। तुम लोग इतना बड़ा टफर है कि टीके बॉस के सोने का बिस्कुट का टेंशन लेगा तुम लोग? अरे तुम्हारा सोने का बिस्कुट बढ़िया खूबसूरत हिफाजत से पैक है। तो हमारा बिस्कुट के साथ उस लड़की का क्या हुआ जो खाना में उसका? यार मोना, यार ब्यूटीफुल एंड क्वीन मोना डार्लिंग। मोना डार्लिंग, यार ब्यूटीफुल एंड फ्री माय डियर। हमको सब मालूम, हमको मच्छी मालूम। तुमको सोना मांगता और मोना के साथ सोना मांगता। करेक्ट। ये खाना मोना किधर आए? बस आती होगी भोजनी के। अगर वो नहीं आई ना तो तुम नाम का ही नहीं रियल में खाना हो जाएगा। हम तुम्हारा आग फोड़ डालेंगे समझा? बॉजी के कमल, मुझे तुमसे दूर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। मोना तू भी नहीं। अगर तू हमारे बीच में आ गई तो जान से मार डालूंगी मैं तुझे, खत्म कर दूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी। देखो इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जान दे देंगे, ईमान नहीं बचेंगे कमल बाबू। काम आज रात को ही हो जाएगा। हेलो कौन? हाँ कमल, मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मुझे एक जरूरी काम है। हाँ ठीक है, बता क्या काम है। नहीं यार, फोन पे नहीं बता सकता। ठीक है आजा, पर देर मत करना। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। ओके। हेलो एवरीबॉडी। हाय, तुम्हारी तबीयत कैसी है मोना? आई एम ओके, गुड नाइट। बैड नाइट। कमल बाबू, फोन किसका था? राज का। राज का? अच्छा अच्छा, वो लेकिन इतनी रकम। हाँ लगता है आज रात काम नहीं होगा। चलो अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। चलो क्या हुआ मोना? क्या हुआ? ओह माय गॉड मोना, क्या हुआ? क्या हुआ मोना बताओ। मोना तुमको किसने मारा? किसने मारा तुमको मोना? बताओ बताओ मोना बताओ। ये मोना को किसने मारा? हम में से किसी एक की तरफ इशारा कर रही है। मोना मोना, किसी चीज को हाथ मत लगाओ। तुम लोग पीछे हटो। तू किसको फोन कर रहा है? किसको? पुलिस स्टेशन फोन कर रहा हूँ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। Ha 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 ha
हो गया? भगवान नहीं आजा। नहीं, मैं जाने के बाद क्या क्या होता रहता। बहादुर बहादुर बहादुर, तुमने नौकरी छोड़कर भीख मांगने का काम कब से शुरू किया? भीख नहीं मांगते, तुम सुनेगा तुम भी मांगेगा। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं करता मियम साहब। चलो गेट के अंदर। अरे अंदर जाने का डर से तो बाहर खड़ा है। क्यों, क्या हुआ? अंदर पुलिस आई है मियम साहब। पुलिस? और मेरे घर में? क्यों? अरे कोई मोना के पेट में डाल दिया है। डाल दिया? अरे सदरी घुसेड़ दिया है, उसका खून कर दिया है। क्या क्या बोलेगा? अभी सारे का देखने का ये पशुपति नाथ क्या होगी? ये भाई किधर को घुसता है? तुम है भाई? तुमने मुझे भाई कहा? उठो उठो उठो, ट्रॉफी से दिखाओ। इस घर की मैं मालकिन हूँ। क्या करता है? कमिश्नर को फोन करके तुम्हारी ड्यूटी किसी गली कुची में लगवा दूंगी, समझे? जाइए। क्या समझे सर? जाइए। कमल शर्मा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों ने मोना के साथ क्या किया? अरे जवाब दो। माया माया, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे घर में पुलिस क्या कर रही है? माया जी, हम बेकसूर हैं, हमने मोना खून नहीं किया। भाभी मैं तो यहाँ आके फंस गया हूँ, ना यहाँ आता ना फंसता। तुम लोग सच कह रहे हो? माया मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ कि हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर तुम लोग सच कह रहे हो तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ, लेकिन अगर तुम में से कोई भी कसूरवार निकला तो मैं खुद उसे फांसी के फंदे तक पहुँचाऊंगी। काश मोना तू मेरा इशारा समझ जाती, लेकिन तेरी मौत तो छतरी से लिखी थी। आखिर छतरी काम आ ही गई, सांप भी मर गया और सपेरा भी बच गया। Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Opa! सर, कोटी सर, होलकर सब से जाकर कहो इंस्पेक्टर आने आए। यस सर। कम इन। हेलो सर। इंस्पेक्टर राणे, कैसे आना हुआ? सर ये मोना मर्डर केस की फाइल। ओ मोना सर से लेकर पांव तक जी, मेरा मतलब है केस की पूरी डिटेल है इसमें? जी, इसमें सारे सबूत और फिंगरप्रिंट्स मौजूद है और उन लोगों के फोटोग्राफ्स भी जिन पर हम लोग को शक है। वेरी गुड, वेरी गुड राणे। गोटी सर, आप कॉफी लेंगे? चाय? कॉफी? ग्लास में या कप में? कप में। अभी लेंगे? 10 मिनट के बाद। इतनी तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर पी लूंगा। ओके, थैंक यू सर। राणे आप जा सकते हैं, हम बात कर लेंगे कमिश्नर साहब से। ओके, थैंक यू सर। ओ गेट आउट उर्मिला। यानी के साथ भुदक भुदक के नाचो। चलने की तैयारी करो। यस सर। अब कुछ काम करते हैं, तौबा मत करना। गोटी। यस सर। उर्मी। यस सर। लेट्स गो फॉर जॉब। कोई नहीं, ये किसको?
ये पहले फूटा निकालता है, फिर पूरा बाहर आते है। ओरी बाबा, ये कितना लंबा है, आदमी है कि खंबा है, खाता क्या है गन्ना? गन्ना किधर को जाते है तुम लोग? ए, तुम लोग? अरे तुम लोग नहीं बोलेगा तो क्या हम लोग? गोटी। यस बॉस। ए टिंगू, तुम्हारा नाम क्या है? बहादुरी। बहादुर है? अरे किधर से बहादुर है, अंदर से या बाहर से? हमारा नाम बहादुर है। हम तुम्हारा बाप है। सीआईडी इंस्पेक्टर होलकर। सीआईडी इंस्पेक्टर होलकर? होलकर नहीं, होलकर। कितना कद है तेरा? इंच में बोल, इंच में। 6 फुट। नहीं नहीं नहीं, 7 फुट से इंच। अच्छा, ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो 4 फुट गायब हो जाएगा, सिर्फ 6 इंच रह जाएगा। हट। और अगर मुझसे पंगा लिया ना तो 6 इंच भी कुल कर दूंगी। और बहादुर तेरा नाम है? अगर मुझसे पंगा लिया ना, ये जो मेरे हाथ में खेलने वाली गोटी देख रहा ना, ये भी अगर तेरे पास हुई ना तो उसे भी गुल कर दूंगा, समझे? सब गुल करेगा, हम बसेगा क्या? क्या कह रहे हो लोग? कुछ कुछ नहीं, मेरा कुछ समझ में नहीं आती। खैर कोई बात नहीं है, हम बसेगा, सब मरेगा। सलाम साहब। साहब आप? लवर सिंह यहाँ भी? सर कुछ लव हुआ कि नहीं? कहाँ सर, लवर करने वाली मिलती नहीं है। ये मोटापा, ये डंडा देखकर इसे कौन पटेगी? क्या कह रहे हो गोंडी जी? तुम नहीं समझोगे, कातिल कहाँ है? सब बैठे हुए हैं, लेकिन जरा बच के रहना। क्यों? बहुत खतरनाक हो रहा था वो। बोल करके सामने सब साफ साफ दिखाई देता है। चलो। सबकी खटिया कट। सब खड़े हो जाओ। ए, क्या दिखता है? इसको बोला? तुमको तो पहले कोई औरत नहीं देखी क्या? वैसे घूर घूर के देख रहा, वो भी हाथ में पकड़ के। क्या गन्ना? नहीं, जितना चूसा नहीं होगा ना उतना मैं चबा चबा के फेंक चुकी हूँ। समझे या समझाऊं? उर्मिला। यस सर। माया देवी, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिस केस की फाइल हमारे गन्ना चूस, सॉरी सीआईडी इंस्पेक्टर होलकर के सामने आ जाता है ना, समझो खुनी 7 जन्मों तक गन्ना चूसता ही रहता है, लेकिन गन्ना खत्म नहीं होता। नाइस उर्मिला। साहब मैं बेकसूर हूँ, मैंने मोना का खून नहीं किया है, तो मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, प्लीज। हाँ तो जाओ। रोका किससे तुम्हें? लेकिन मिस्टर राज, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस कमरे में एक एक आदमी जो मौजूद है उनकी जन्म कुंडली मेरे पास है। जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अभी शहर छोड़कर जाइएगा मत, कानून को आपकी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। सर आप जब बुलाएंगे मुझे, मैं तब हाजिर हो जाऊंगा। बी ए गुड सिटीजन, बाय, टेक केयर। ये होल्ड करो माया देवी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। माया देवी, आपने होलकर को भाई बोलकर खरीद लिया, लेकिन अफसोस अनु रिश्तों को नहीं मानता, सबूत मानता है। ए, क्या नाम है तुम्हारा? जी पारू। ठीक है, किचन में जाओ, सबके लिए चाय बनाओ। माया देवी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मोना से आपका क्या रिश्ता था? मोना बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी थी, मेरे घर में पीजी बनके रहती थी। उसका तो खून हो गया। दरअसल एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने पीजी रखना शुरू कर दिया, वो भी एक नहीं तीन तीन? मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो जाती थी, इसलिए मैंने अपने दोनों कमरों में पीजी रख लिए। आप नौकर भी रख सकती थी, और नौकर है।
माया देवी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। वो आप नहीं बताएंगी, मैं बताता हूँ। आप बहुत भोली इंसान हैं। सुनिए, आपके पति कमल और मोना का शारीरिक संबंध था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? खामोश। खबरदार, जो बीच में एक शब्द भी बोला, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये तो बाल की खान निकलेगा। चुप। हाँ माया देवी, कुछ कह रही थी। मैं जानती हूँ अपने पति को, वो लड़कियों की तरह तांग जांग जरूर करते हैं, लेकिन किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। वाह वाह, बड़ा भरोसा है आपको अपने पति पर। भाई साहब, भरोसे पे तो दुनिया कायम है। वाह वाह माया देवी, क्या बात की आपने मेरे से। खुलकर, दिल खोलकर आपको नमन करता है। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर कमल, आप मोना के कत्ल पर कुछ रोशनी डालना चाहते हैं, डालिए। होलकर साहब, हम सब सो रहे थे, तब अचानक हमें एक चीख सुनाई दी। हम सब दौड़ कर आए और देखा कि मोना के पेट में छतरी घुसी हुई थी। तब मेरे दोस्त राज ने पुलिस को फोन किया और पुलिस आ गई। लेकिन माया, मेरा यकीन करो, मोना के साथ मेरे कोई शारीरिक संबंध नहीं। मिस्टर कमल, अब तक मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आपके मोना के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं। बोटी। यस बॉस। समझ गया बॉस। मिला। यस सर। हमें मोना के बेडरूम तक चलना है, चलोगी? क्यों सर, वो तो मर चुकी है, वहाँ क्या करना है? उर्मिला, वो हम जानते हैं, लेकिन हमें वहाँ जाके कुछ सबूत इकट्ठा करने हैं। विद योर परमिशन माया देवी, सिस्टर, एक्सक्यूज मी। मोना कमर तो उधर है, ये कहाँ घुस गए? अबे चुप कर, जासूस कहीं भी चले जाते हैं। मुंह बंद रखो और खोल कर दो। मेरे सवाल का जवाब तो तेरा भी पाप है। क्या? कभी सोम कभी मंगल, अबे बुध कहाँ है? दो दिन बाद आएगा। शट अप, मुंह बंद रखो और जवाब दो। मुंह बंद रखो और जवाब दो। वो कैसे? गुरु जी, आपसे एक सवाल पूछूं? मुझे गोटी जी बोला। अरे बिंदास, पूछो पूछो। दुनिया की सबसे कड़क और सबसे नरम चीज क्या है? क्या? पर एन आउट। अच्छा ये बताओ, मोना को कब देखा? उसको मरने से 2 घंटे पहले। अच्छा, उसके पेट में छतरी किसकी थी? मेरी नहीं थी। तो तुमने देखा था? देखा था। कलर? पीली। कंपनी? पता नहीं, गौर से नहीं देखा। साइज? मालूम नहीं। आपको किसी पर शक है? अगर पता होता तो खा नहीं देता डालने से पहले। क्या? छतरी से मेरे उसका हाथ। गोटी। यस बॉस। पतिनाथ, तू किधर ही? किधर को सुबी? अरे साली, किधर को सुबी? यहाँ हूँ, देख। अरे पीछे देख। हाँ है, इधर आ, इधर आ, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं। अरे तेरे को मैं जला रहा हूँ। अबे क्या कर रहा तू? अबे मोना के पेट में किसी ने मेरे भाई को घुसेर दिया है, मैं जला दूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कर रहा? अबे ये क्या कर रहा तू? अबे मच्छर मार। नहीं, बैठिए, उठने की कोई जरूरत नहीं, बैठिए। देखिए, ये तो मेरे बर्थडे के फोटोग्राफ हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिस्टर कमल, एक साथ 6-6 छतरियां आपके बंगले के अंदर क्या कर रही थी? बहुत सब पानी टपकता होगा। जी शेडा। सर, ये सब छतरियां मुझे मेरे वॉचमैन बहादुर ने गिफ्ट में दी थी। वेरी गुड। डवर सिंह। यस सर। बहादुर को बुलाओ। ओके सर। जरा इसको मुलाजा फरमाइए, ये कौन है? ये पायल है।
कोई बात नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो साहब जी, बोलेगा साहब जी। कमल साहब को तुमने छतरियां भेंट की थी? हाँ साहब जी। कहाँ से लाया? हम मुलुक से लाया था साहब जी, नेपाल से। अच्छा, नेपाल से लाया? हाँ सर। मुंबई में छतरियां नहीं मिलती थी जो नेपाल से लाया? नहीं लाया। इनको तो तूने पांच दी, छठवी कहाँ गई? वो हमारे पास है साहब जी। वो तो नहीं है साहब। क्यों? हम उसको जला दिया था। क्यों जला दिया? हम डर गए थे। डर गया? मेरा मतलब है कितना डर गया था? एकदम सीधा साधा आदमी है साहब जी, हमको लगा हम फंस जाएगा तो हम जला दिया। तू सीधा साधा आदमी भी है और नेपाली भी। एक काम कर, जो जली छतरी है वो लेकर आओ। लवर सिंह सर, इस रोते हुए नेपाली को ले जाओ और इसके साथ छतरी भी ले आओ। चल बे, अरे तू जा रे। यस बॉस। सोम और मंगल को हाजिर करो। यस बॉस। कमल साहब आप भी अपनी छतरी मंगवा लीजिए पारो से। पारो तेरा छतरी तो लेके आना। अभी लाई साहब। जो भी कहना है बॉस। साहब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते। हम बोले अपने अपने कमरे में जाइए। जी अच्छा, जाइए प्लीज। ये रही छतरिया। रोटी। यस बॉस। छतरिया पांच। यस। छठी कहाँ गई? मैं जानता हूँ, पायल, पायल के पास। आप कहे तो मैं उसे बुला लूं? नहीं, ये काम मेरा इन्वेस्टिगेशन का। मैं चला जाऊंगा उसके पास। बॉस, मुझे तो पारो पे शक होता जा रहा है। अच्छा तो जाइए, कुछ तफ्तीश कीजिए, इंक्वायरी कीजिए अपने अंदाज में और आकर हमें खबर दीजिए, समझे? बॉस, थैंक यू बॉस। अब काम ही काम, ये साफ वो साफ करो पारो को तो। हाय हाय, घस घस के क्या साफ कर रही है पारो? हाँ आजा, तुझे भी घिस दूं। ए पारो, तमीज से बात कर, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? हाँ बोल जासूस कीड़े, क्या पूछना है? पूछना क्या है, छतरी है तेरे पास? है, खोल के दिखाऊं? अरे क्या, क्यों झटका क्यों खाता है? हाँ फोड़ दूंगी। क्या तेरे कांच के गोटे, चल भाग जा यहाँ से, मैं उखाड़ दूंगी सारे गन्ने। चल। अरे बाप रे बाप रे, ये पारो है या कोई पहाड़ी पर्वत है बाप? क्या बोला? अरे कुछ नहीं, जाता हूँ ना, काय को टेंशन लेती है, जाता हूँ ना। उर्मी। यस सर। छतरियाँ पांच, छठवी छतरी लापता है। या। पायल। जब आई गई I love you. What? कौन हो तुम? तुम्हारा प्यार, I am sorry. क्या नाम है तुम्हारा? बॉस, पायल है ये। Shut up. क्या नाम है तुम्हारा? पायल। लेकिन तुम कौन हो? होलकर। CID इंस्पेक्टर होलकर। CID? लेकिन मैंने क्या किया है? मोना का खून। नहीं ये झूठ है, मैंने मोना का खून नहीं किया, मैंने मोना को नहीं मारा। अच्छा, और मोना को मारूंगी तो किस लिए? अच्छा आप एक काम कीजिए, आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बैठिए, अपना ही घर समझिए। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ, मोना को आपने इसलिए मारा कि कमल आपका प्यार है, वो आपके प्यार के बीच में कांटा बन के आ गई थी, आपने उस कांटे को तोड़ दिया। नहीं ये सच है कि मैं कमल को चाहती थी, मैं उससे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, इसलिए मैंने अब तक शादी नहीं की और मैं सारी जिंदगी उसके प्यार के सहारे काट लूंगी। लेकिन मैंने मोना को नहीं मारा, मैंने मोना का खून नहीं किया। ठीक है ठीक है। पायल जी, पायल जी, कंट्रोल योरसेल्फ।
अगर आपने मोना का खून नहीं किया है तो नेपाली बहादुर की दीव छतरी आपके पास जरूर होगी। हाँ, उसकी छतरी तो थी मेरे पास, लेकिन लेकिन न जाने कहाँ गुम हो गई। गुम हो गई? वो इसलिए गुम हो गई कि उसी छतरी से आपने मोना का खून किया। मोना चिल्लाने लगी, आप डर के वहाँ से छतरी को छोड़कर भाग गई। नहीं, यही सच है। ये झूठ है। बिल्कुल सच है, आपने मोना का खून किया। नहीं, हाँ। नहीं, मैंने मोना को नहीं मारा। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, भगवान के लिए मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैंने मोना को नहीं मारा। मान लीजिए मैंने आप पे विश्वास किया, आप पे भरोसा किया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। आयल जी आप इस शहर को, इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी जब तक कि मैं असली कातिल को ढूंढ नहीं लूं। मेरा एक आदमी बाहर रहेगा, अगर आपने भागने की कोशिश की तो गोली मार देगा। गोटी। यस बॉस। कंट्रोल योरसेल्फ। टेक केयर, बाय। इंस्पेक्टर होलकर, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तुम यार सोच रहे हो, लोग बुरी तरह फंस गए यार, सब के सब थक चुके हैं। क्या करें, कुछ कर यार। मंगल, हाँ, इससे पहले हम पकड़े जाएं, हाँ, तू मोना की हर चीज मिटा दे जहां मोना का नाम हो। हाँ यार, तू ठीक कहता है यार, ये होलकर तो हमें जीते जी फांसी पर चढ़ा देगा। अच्छा, तुम लोगों ने मोना को मारा है? नहीं। बैठो। बड़े अजीब लोग हो भाई, बोला बैठने को तो बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। तुमने मोना को मारा, चपका दिया पायल की छतरी से, है ना? नहीं सब, नहीं सब, हमने नहीं टपका साहब। सर हम टपकाते, हाँ, तो खिसक नहीं जाते। हाँ, वेरी गुड। क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसमें कुछ है, निकलेगा तो 6 के 6 अंदर चले जाएंगे, तुम नहीं रहोगे। लाओ लाओ सब। शट अप। उर्मिला। यस सर। काश ये लड़की मोना जिंदा होती तो मैं उससे पूछता उसे किसने मारा। मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। क्यों मारा? अच्छी है। यस यस। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं हुआ बॉयज, जो होना था वो हो गया और जो होने वाला वो मेरे हाथों होगा। उर्मिला। यस सर। फॉलो मी। यस। कम ऑन। मुर्गे मुर्गे यार। चुप कर यार, वरना मेरे साथ तू भी फंस जाएगा। अब क्या होगा? ये क्या कर रहा है? क्या देखो तुम लोग, पहले कभी देखा नहीं क्या? चलो 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 चलो। उर्मिला, मोना केस से जुड़े हुए एक एक आदमी को एक साथ देखना है, एक साथ मिलना है एक जगह पे। सर, क्या खूनी पकड़ा गया? ऐसी बातें करती हो, तुम एक काम करो। यस सर। गोटी को बोलो। यस सर। अपने गोटे रेडी रखे। लिसन एवरीबॉडी, गेट अप, कम ऑन। सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए। माया देवी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। गोटी। यस बॉस।
करना दो, गेट आउट। थैंक यू बॉस। देखो मैं जानता हूँ कि तुम लोगों में से खूनी एक है, तू भी हो, मेरे हाथों से बचने का इंसाफ का दूसरा नाम होल्कर है। अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला तो फांसी के फंदे से उसे कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि मेरा गन्ना खत्म हो जाए, कातिल की बेहतरी इसी में को खुद को कानून के हवाले कर दे। वरना सब जानते हैं मेरा नाम होल्कर है। भागने की कोशिश नहीं करना राज। राज? राज और खूनी? हाँ राज, हाँ माया देवी, राज की मोना का खून है। मैंने मोना का खून नहीं किया है, आपके पास क्या सबूत है? फिर तुम भागे क्यों? वो मैं डर गया था। हर गुनेगार कानून से भागता है, राजेंद्र प्रसाद उर्फ राज। बता कमीने, तूने मोना का खून क्यों किया, बता। लेकिन भाई साहब, राज तो मोना को जानता भी नहीं था। माया देवी आप गलत फहमी में हैं। यही वो राज है जिसने मोना की जिंदगी हराम कर दी थी। और राज है या नहीं सच? ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, मैं मोना को जानता भी नहीं था। संबंध मैं बताता हूँ, याद कर उस रात को। इस रात मोना तेरा बच्चा अपने पेट में लेकर तेरे पास आई थी कमीने, याद कर उस रात को, याद कर। मोना, तुम इस वक्त? हाँ राज, जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। क्यों मेरी जान, ये अचानक आज शादी का ख्याल कैसे आ गया? क्या कोई और चाहने वाला मिल गया? राज क्या बकवास कर रहे हो, तुम भी कर कुछ भी बोलते हो। सॉरी बाबा, आई लव यू डार्लिंग, बट शादी कितनी जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है राज, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मोना, थोड़ा मेरा हाथ, देखो मैं तुम्हारे कहने पर पहले भी बच्चा गिरा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी राज। मोना देखो, आई लव यू वेरी वेरी मच, गुस्सा थूक दो प्लीज, रिलैक्स। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बच्चा, बच्चे की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं होगी राज, लेकिन मुझे जरूरत है इस बच्चे की। लेकिन इस पापी ने उसका बच्चा भी गिरवा दिया, क्योंकि मोना से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके जरिए बहुत सारी दौलत कमाना चाहता था। फिर एक दिन इसके अंदर का शैतान जागा। राज क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोना थैंक गॉड तुम आ गई, आई लव यू, आई लव यू। अरे क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ। इस वक्त तुम्हारे जाने वाले हैं बेबी। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हम नहीं जा रहे मन, कुत्ता तो तेरा आशिक राज है। राज? राज? राज, राज ने तुम्हें 20,000 में बेच दिया है। नहीं, राज कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम कर सकते हैं। इस कसाई ने सिर्फ 20,000 रुपयों के खातिर मोना का बलात्कार करवा दिया। बलात्कार? हाँ माया देवी, बलात्कार। लेकिन इस घिनौनी हरकत के बावजूद मोना ने इसे माफ कर दिया, और इसे जान छुड़ाने के खातिर वो इस घर में पीजी बन के रहने लगी, ताकि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। उसका एक ही सपना था, उसका एक ही सपना था, पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। लेकिन मोना को मारा किसने? इसी पापी ने मोना को मारा। इसे पता चल गया था कि मोना ने अपने शरीर का सौदा अपने बहुत टीके से 5,00,000 रुपए में कर लिया है। बसे नकाबपोश बन के उसका पीछा करता, हर जगह पहुंचता रहा। फिर एक रात तू? हाँ मोना, मैं। अच्छा तो तुम वही हो ना जो नकाबपोश बनकर मेरा पीछा कर रहे थे? मोना देखो, आज हमारे पास बहुत पैसे हैं। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। अच्छा तो तुम मुझे कोठे पर बिठा दो और मेरी कमाई खा सको। मोना चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है, छोड़ो मेरे पैसे और मुझे दो।
और ये पैसे मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगी। मोना मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मोना मैं कह रहा हूँ। हाँ? मोना मेरे रास्ते से हट जाओ। मोना 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 मैं कह रहा हूँ हट जाओ। मोना लेकिन ये कैसे हो सकता है? राज तो हमारे साथ था। यस राज बिल्कुल आपके साथ था, यही था। लेकिन वो मोना का खून करने के बाद यहाँ पर आया और उसने पुलिस को फोन भी किया ताकि कानून को गुमराह कर सके। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामजादे। कमल उसे छोड़ दो, कानून सजा देगा उसे। और मिस पायल हा? वो छतरी आप ही की थी। मेरी छतरी? यस, उस दिन आप इत्तेफाक से अपनी छतरी मोना के घर में भूल कर चली आई थी जो पारो ने मोना के कमरे में रख दिया था। क्यों पारो? हाँ, कमरे में छतरी हमने ही रखी थी। हमें माफ कर दो साहब। माफ किया? लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि खून इसने किया है? उर्मिला उन्हीं कितना बेचारा क्यों ना हो ये गलती जरूर कर जाता है। मुझे तो पहले इस पर शक हो गया था जिस दिन मैंने इसके हाथ में वो अंगूठी देखी थी, तभी तो मैंने इसे बाहर जाने दिया। मंगल। यस सर। इस दिन तुम मोना का फोटो सेशन कर रहे थे ना, तो राज वहां पहुंचा था और इत्तेफाक से एक फोटो में इसका हाथ मोना के साथ पिक्चराइज हो गया जो मैंने देख लिया। और उसी अंगूठी और फोटो की मदद से मैं यहां तक पहुंचा हूं। होलकर साहब, होलकर साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुत्ता हूं, कमीना हूं। भाभी जी, भाभी जी मुझे बचा लीजिए। खबरदार, जो दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो। ए होलकर, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मुझे जाने दे वरना गोली मार दूंगा। जाना चाहता है काहे को एक गोली वेस्ट करता है? मैं तेरा रास्ता बनाता हूँ। हवलदार बोलेवर सिंह, अरे पूरी पाखंडी को जो औरत पे हाथ उठाता है, छतरी से वार करता है, अब उसको बाहर जाने का रास्ता दो भाई। तू जा राज, तुझे कोई नहीं रोकेगा। रोकना नहीं हवलदार। ये क्या किया आपने सर? Have patience, my dear boy. Have patience. हर फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा ही होता है। बॉस, बॉस, पुलिस मुझे बचा लीजिए बॉस। तुमको काहे को बचाएगा? क्या हुआ तुमको? वो होलकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। होलकर, तुम एक काम करो, जाके पैखाने में छुप जाओ। ये आपका पैखाना किधर है? पैखाने के पास। राज रुक जाओ, इतनी जल्दी है तो लोटा लेकर यहीं बैठ जाओ। होलकर जानी, हम तुम्हारा दिमाग में होल कर देगा। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अकेले हमारे अड्डे में आने का? मेरी हिम्मत? नादान पंछी, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं जानी। अगर मेरी ताकत का अंदाजा लगाना तो मेरे हाथ की तरफ देखो। एक्शन। किधर है? काट करो। अरे तुम्हारे बोले से कट नहीं होगा, हमारे पास एक छोटा सा नन्ना सा बालक है। हमारा इतना बुरा दिन आ गया कि हमको इसके साथ लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। एक मिनट, जा जा अम्मा। तेरा ही नाम दिख के तेरी माँ को बहुत ही खतरनाक लगता है। बाय बाय। जाओ ठीक है, भागने की कोशिश करना। वेरी गुड। और माँ क्या हुई ना बात? हार मोटे को क्या बात है? वेरी गुड। वाह, अबे डिस्को करते हो बेटा, मारो। हाँ वेरी गुड। और मार डीके को। नहीं नहीं डैमेज है, ऐसा नहीं करेगा। लाल गोले का पेड़ अम्मा संभाल ला इसको। अबे छोड़ अम्मा, इसे इसे साहब खबरदार। डीके
तेरा खेल खत्म हुआ। ज्यादा चालाकी करेगा तो इसके अंदर जितनी गोलियां हैं सब सही जगह पे डाल दूंगा। बाद में नहीं बोलना, नहीं बोला था। इसको सेल नंबर 61-62 में रखना। हिंदी और इसका नाम भी बदलना। क्या रखूं सर? वो तुम सोच लो अच्छा सा। कोई बॉस टीके मुझे अच्छा नहीं लगता। 61-62 रखते हैं सर। चलो चल चल चल। काम कर। थैंक यू होल्कर साहब, आपने हम सबको बचा लिया। लेकिन गुनाह तो आपने किया है मिस्टर कमल। हाँ माया देवी, गुनाह मिस्टर कमल। मोना की डॉक्टरी रिपोर्ट अब तक मेरे पास है, लेकिन चूंकि तुम्हारी बीवी देवी जैसी है, मेरी बहन है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच। सोमंगल। यस सर। अपने पांव पे खड़े हो जाओ और आगे से अपने काम पे ध्यान रखो बस। गेट आउट, गो बैक। अरे चलना यार। आयल जी, आयल कहाँ जा रही हो? इस शहर को छोड़कर जा रही। अच्छा, अपने होने वाले पति को छोड़कर जा रही हो? होने वाला पति? हाँ होने वाला पति। देखो भैया, तुम सोचो मैं अब तक कुंवारा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी करूँ, सोच लो। हाँ भाई, हाँ। मिला? यस सर। ये वो छतरी, ये मैं तेरी रानी तू मेरा राजा, मिलके बजाए दोनों बाजा। तू मेरी रानी मैं तेरा राजा, मिलके बजाए दोनों बाजा। कोई न देखे कोई न जाने इसलिए मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आजा, ओ मेरी छतरी के नीचे आ।